हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वार यूट्यूब चैनल। और आज ये हमारा जो लेक्चर नंबर है वो 36वें नंबर का होगा, विज्ञान का, जो कि एमपी पुलिस 2021 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। काफ़ी लंबे समय से लेक्चर नहीं आ रहे थे, परंतु अब पूरी कोशिश रहेगी कि डेली इसे हम रात को 9 बजे अपलोड करें। पर डे आएगा, ठीक है, और कोशिश करेगा कि इसे इसी टाइमिंग पे देखें। और ये जो लेक्चर में है, टोटल 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करते थे और आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। टोटल 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन का पैटर्न क्या है ये देख लो। तो इसमें 5 से 6 होंगे न्यूमेरिकल, ठीक है, क्योंकि आपने अगर पिछले पेपर उठा के देखोगे आप व्यापम के, ठीक है, जेल प्रहरी हुआ या अदर कोई भी, तो उसमें न्यूमेरिकल अब आने लगे। तो 5 से 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, ठीक है। कम से कम इसमें 15 क्वेश्चन होंगे कॉन्सेप्चुअल, मतलब कॉन्सेप्ट बेस होंगे, ठीक है, और 10 क्वेश्चन होंगे फैक्चुअल, मतलब अगर आप फैक्ट वाइज डेटा की डिमांड कर रहे हैं तो वो भी इसमें सारे क्वेश्चन हैं, कॉन्सेप्ट वाइज भी और न्यूमेरिकल भी है। कहने का मतलब इस 30 क्वेश्चन में सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो रही होगी, और ये सारे के सारे क्वेश्चन NCERT बेस है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को रेगुलर रखिए, रात को 9 बजे लेक्चर अपलोड होगा, और आप इसे दिन में समथिंग 1 से 2 बार अगर देखते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो आइए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर का सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा 1041 नंबर का, क्योंकि इससे पहले के जो क्वेश्चन है 1040 क्वेश्चन है वो पिछले लेक्चरों में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एक लेक्चर, ये पहला क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल से ही होगा, कि एक दुकानदार एक माह में 250 यूनिट ऊर्जा का उपयोग करता है, ठीक है, या करती है हम बोल सकते हैं, तो कितनी ऊर्जा का उपयोग जूल में किया गया, ठीक है। तो हमको मान किसके में निकालना है, जूल में निकालना है। तो सबसे पहले ये देखो कि एक जूल बराबर से कितना होता है, तो एक जूल बराबर से आपको ये पता होना कि होता है 3.6 × 10 की पावर, सॉरी, एक यूनिट बराबर से, सॉरी, यहाँ एक यूनिट बराबर से कितनी ऊर्जा होती है, तो 3.6 × 10 की पावर 6 जूल होता है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि एक यूनिट में कितनी ऊर्जा होती है, तो 3.6 × 10 की पावर 6 जूल होती है, पर टोटल कितनी यूनिट खर्च की गई है, 250। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में 250 का गुणा करूं, तो राइट हैंड साइड में भी 250 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इधर 250 यूनिट हो जाएगा और 250 यूनिट हो जाएगा, और जब इसका इधर गुणा करोगे तो ये जब टोटल मल्टीप्लाई होगा तो कितना जाएगा, 9 × 10 की पावर 8 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो एक दुकानदार ने टोटल 250 यूनिट अगर ऊर्जा खर्च करी तो कितने जूल ऊर्जा करी, तो 9 × 10 की पावर 8 जूल, मतलब ऑप्शन नंबर 4th यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे अगर इन चीज़ों को आप पढ़ोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगला क्वेश्चन भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, कि एक वस्तु 4 सेकंड में 25 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है, तो औसत चाल बताओ। तो देखो, औसत चाल बराबर से क्या होता है, तो कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी बटे में क्या हो जाता है, कुल समय, ठीक है। तो औसत चाल जब भी निकालोगे तो कुल दूरी बटे कुल समय हो जाएगा। तो कुल दूरी कितनी हो गई, तो ये 25 मीटर इधर और 15 मीटर इधर, अगर दोनों को जोड़ दोगे तो कितना जाएगा, तो 40 मीटर आ जाएगा, और बटे में कुल समय, तो 4 सेकंड ये, 2 सेकंड ये, तो बटे में कितना जाएगा, 6, ठीक है। सॉल्व करोगे तो 6 ही 6 कितना जाएगा, 36, ठीक है। पर यहाँ देखोगे तो सारे के सारे ऑप्शन एक जैसे, 6.67। तो हमें ये पता होना कि जो चाल है, ठीक है, इसका मात्रा क्या होता है, तो मीटर सेकंड इन्वर्स होता है चाल का मात्रक, मतलब ऑप्शन नंबर 1st यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप 40 में 6 का भाग दे दो तो आएगा 6.67 आ जाएगा, पर चाल का जो यूनिट क्या होती है, चाल की यूनिट, तो मीटर पर सेकेंड, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1st यहाँ पर क्या है, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है ना, और ज़्यादा लोड नहीं लेना, पर न्यूमेरिकल को आप रेगुलर पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। तो अगला क्वेश्चन है 143 नंबर का, 1043 की 10 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, यहाँ पर सेकेंड है, वेग से आप गति करती है, तो निहित संवेग कितना है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर वेग भी दिया है, द्रव्यमान दिया है और संवेग दिया है। तो अगर हम बात करें कि देखिए क्या हमसे पूछा है उसने, 10 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, तो संवेग कितना होगा। तो संवेग p बराबर से क्या होता है, तो mv होता है, ठीक है, संवेग बराबर से क्या होता है, तो mv होता है। तो p का p आ जाएगा, m का मान कितना है 10, और v का मान, ये वेलोसिटी है कितनी, 2, ठीक है। तो 10 दुनी कितना जाएगा, 20, ठीक है, तो 20 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखो, एक तो ये भी दिख रहा है ऑप्शन में, और एक ये भी दिख रहा है, तो संवेग बराबर से mv है, तो m का मात्रा क्या हो जाएगा, kg, और वेलोसिटी का मात्रा क्या होता है, तो p मीटर पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया नहीं है, तो यहाँ इनवर्स लगा देते अपन, है ना, मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, राइट आंसर 20 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल ही है, कि 200 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु, ठीक है, 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा। तो देखो, यहाँ पर हमें 10 जूल गतिज ऊर्जा दे रखी है, द्रव्यमान दिया वस्तु का 200
ठीक है, 200 ग्राम और संवेग पूछा है। तो सबसे पहले ये देखो कि गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच में एक संबंध होता है। तो के ई मतलब हो जाएगा गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, पी मतलब होता है संवेग, तो पी का वर्ग अपॉन होता है 2m। तो ये संबंध होता है किसमें, गतिज ऊर्जा और संवेग में। तो पी का मतलब यहाँ संवेग है, ठीक है, मोमेंटम, और के ई मतलब क्या है, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा कितनी है, 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। पी का मान हमें निकालना है, तो पी का वर्ग हो जाएगा और बटे में क्या है 2। और एम का मान कितना दे रखा है, तो एम का मान दिया है 200 ग्राम, और 200 ग्राम को अगर आप किस में चेंज करोगे, किलोग्राम में, तो 1000 का भाग देंगे तो बटे का 1000 इधर गुणे में आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करोगे तो 200 एकम 200 और 205 आ जाएगा, और आगे सॉल्व करोगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 दूनी इतना हो जाएगा 4। मतलब पी का मान फाइनली सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा, 2, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था, संवेग पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए और उसके बाद सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आ रहा होगा। और ये ऐसे क्वेश्चन है जब तक अगर आप धैर्य रख के, पेशेंस रख के सॉल्व नहीं करेंगे, आपसे नहीं बनने वाले पेपर में भी, ठीक है। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, सारी चीज़ें बनेगी। 1045 नंबर का क्वेश्चन है कि जब तत्वों के परमाणु भारों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग क्या होता है, औसत होता है, यह नियम किसने दिया है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा होगा तो डोबेवियर का जो त्रिक नियम था, तो इसमें होता क्या था कि अगर मान लो तीन तत्व हमें दे दिए हैं, ठीक है, तो ये तीन तत्व दे दिए, तो पहले तत्व और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का जो औसत है, वो बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के क्या होता था, बराबर। हमसे यहाँ पर यही पूछा गया है, तो ये कौन ने दिया था, डोबे राइनर ने दिया था। तो डोबे राइनर का त्रिक नियम क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और डोबे राइनर का त्रिक नियम कब दिया, अगर ऐसा पूछ ले जाए तो 1817 में दिया गया था, ये डेट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा खासा क्वेश्चन हो जाएगा कि 1046 नंबर का, कि इका सिलिकॉन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इका सिलिकॉन किसको कहा जाता है, ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है गेलियम, सेकंड ऑप्शन है सिलिकॉन, थर्ड ऑप्शन है जर्मेनियम और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा एल्यूमिनियम, ठीक है। तो यहाँ पर इका सिलिकॉन हम किसको कहते हैं, तो जर्मेनियम को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो एक छोटा सा एक मैं फैक्ट आपको बता दूँ यहाँ पर, एक मिनट हम पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। पहले आपके सामने ये पीरियोडिक टेबल है, तो आप अगर देखोगे तो ये देखिए, यहाँ पर ये कार्बन है और ये है सिलिकॉन, ठीक है। तो यहाँ पर एका सिलिकॉन बोला है, तो एका सिलिकॉन बोला है, तो एका सिलिकॉन मतलब ये हुआ सिलिकॉन, और एका सिलिकॉन बोलेंगे तो सिलिकॉन के नीचे वाला जो होगा उसको एका सिलिकॉन बोलते हैं। अगर ये हुआ एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम बोलते तो किसको बोलते, गैलियम को, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो एका सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम को कहा जाता है, और एका एल्यूमिनियम गैलियम को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर पेपर में ऐसा पूछ लिया जाता है कि एका सिलिकॉन किस किसके बाद आता है, ठीक है, मतलब जो एका सिलिकॉन है वो कौन से वर्ग में रखा गया है, ये अगर आपसे पूछ लेता तो देखो ये कार्बन वाले वर्ग में रखा गया है, ऐसा हम बोल सकते थे। अगर एका एल्यूमिनियम बोलता तो एका एल्यूमिनियम हम किसको बोलते हैं, तो गैलियम को बोलते हैं, ये आपको याद रखना, और बार बार इस पीरियोडिक टेबल को देखो, पढ़ो, ये याद हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, एका सिलिकॉन किसे कहा जाता है, तो जर्मेनियम को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर दो तीन चीज़ें और याद रख लेना कि ये जो जर्मेनियम है ये अर्धचालक है, ठीक है, मतलब क्या है, अर्धचालक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अर्धचालक ऐसा कि इनमें से अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो आधी धारा जाएगी और आधी रुक जाएगी। तो यहाँ पर जो बोरान है ये भी अर्धचालक है, सिलिकॉन अर्धचालक है, गेलियम अर्धचालक है, आर्सेनिक अर्धचालक है, एंटीमनी अर्धचालक है, टेल्यूरियम और एस्टाटिन, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, अर्धचालक। कभी पेपर में ये पूछ ले कि टोटल अर्धचालकों की संख्या कितनी है, तो अर्धचालकों की संख्या टोटल कितनी है, 7 होती है, ठीक है। देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 होती है अर्धचालकों की संख्या। ये पूछ ले कि ये अर्धचालक करते क्या है, तो ये अर्धचालक ये इधर होती है अधातु और इधर होती है धातु, तो धातु और अधातु को अलग भागों में बांटा जाता है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब सोडियम सल्फेट, ठीक है, जब सोडियम सल्फेट जो है समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है, मतलब ये सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है, तो क्या बनता है, ठीक है। तो जब सोडियम सल्फेट है बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाएंगे तो इससे बनता है बेरियम सल्फेट बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद है रखना है, ठीक है। और जो जो सोडियम सल्फेट है ना, इसको ग्लोबर सॉल्ट भी कहा जाता है, ठीक है, ग्लोबर सॉल्ट कहा जाता है किसको, तो सोडियम सल्फेट को। और फॉर्मूला अगर पूछ ले तो Na2SO4 होता है किसका फॉर्मूला, तो सोडियम सल्फेट का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1048 की, ज्वाइंट पर हड्डियों की
सतह को खालिस्तान मुलायम करती है, ठीक है। मतलब देखो, हड्डी की जो सतह होती है तो वो मुलायम किसके द्वारा होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है टेंडन, सेकंड ऑप्शन है बंधन, थर्ड ऑप्शन है कार्टिलेज और फोर्थ ऑप्शन है एरीओलर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर, कि जो कार्टिलेज है इसके द्वारा ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को क्या होती है, मुलायम करती है। कौन? तो कार्टिलेज। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। दो तीन क्वेश्चन और यहाँ बनते हैं कि अगर आपसे पूछ ले कि एक ये हड्डी और एक ये हड्डी है, हड्डी से हड्डी के बंध को क्या कहा जाता है, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसे कहा जाता है लिगामेंट। क्या कहा जाता है? लिगामेंट। मतलब अस्थि को अगर अस्थि से जोड़ते हैं तो उसे लिगामेंट कहते हैं, और अगर अस्थि में मांसपेशियाँ जोड़ी जाती है, ठीक है, अस्थि में क्या जोड़ी जाती है, मांसपेशियाँ। तो जब अस्थि में मांसपेशियाँ जोड़ी जाती है तो इसे किसके द्वारा जोड़ती है, तो ये टेंडन के द्वारा जोड़ती है, और हड्डी से हड्डी किसके द्वारा जोड़ती है, तो लिगामेंट के द्वारा जोड़ती है, ये आपको याद रखना है। और ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को खालिस्तान मुलायम करती है, तो कौन मुलायम करती है हड्डी की सतह पर, तो कार्टिलेज। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या था, राइट आंसर। तो तीन आपको तीन चीजें याद रखना है, कार्टिलेज, टेंडन और लिगामेंट, ठीक है। ये तीन शब्द से ही क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओमीय उपकरण का वर्तमान वोल्टेज, ठीक है, वर्तमान वोल्टेज ग्राफ किस रूप में होता है। तो ओमी उपकरण मतलब ओम की बात कर रहा है, प्रतिरोध की बात कर रहा है, और वोल्टेज मतलब वेलोसिटी की बात कर रहा है, सॉरी ये वोल्टेज मतलब वी की बात कर रहा है। तो हम इतना जानते हैं ओम के नियम के अनुसार वी बराबर से क्या होता है, आई आर होता है। अगर आप फिजिक्स से जानते हैं या समझते हैं तो आप इतना जानोगे कि अगर आर की वैल्यू हम बढ़ाएं, ठीक है, आर की वैल्यू अगर हम बढ़ा दें तो वी का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो जितना आर का मान बढ़ेगा उतना वी का मान बढ़ेगा, मतलब जो ग्राफ होगा वो कैसा मिलेगा हमको, रेखीय ग्राफ मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 1050 नंबर का, कि यौगिक का प्रयोग सिद्ध सूत्र, ठीक है, एक यौगिक का प्रयोग सिद्ध सूत्र है CHO, ठीक है, इसकी वाष्प घनत्व कितना है, 90 है। तो यौगिक का अणुसूत्र कितना होगा, तो सिंपल सा देखो कि अगर मैं इसमें 6 का गुणा कर दूं, ठीक है, 6 का गुणा कर दूं तो C6 हो जाएगा, एच कितना हो जाएगा 12, और ओ हो जाएगा कितना 6, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा क्या, राइट आंसर। अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो ये फॉर्मूला किसका है, तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का, और हम उसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो आपसे कभी अगर ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो C6H12O6 होता है, या फिर उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं CH2O और पूरे के गुणे में कितना, 6 लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर शर्करा की बात करें तो शर्करा का फॉर्मूला जो शुगर होती है, ठीक है, शक्कर होती है, चीनी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11 होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कभी शर्करा का फॉर्मूला पूछे, शक्कर का फॉर्मूला पूछे, तो C12H22O11 होता है, और अगर शुगर का फॉर्मूला, सॉरी ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछे तो C6H12O6 होता है, ठीक है। दोनों फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है छोटा सा न्यूमेरिकल, कि एक वस्तु 3 सेकंड में 25 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर यात्रा करती है, तो औसत चाल बताओ। तो औसत चाल बराबर से आपको अब तक याद हो गया होगा कि कुल दूरी बटे कुल समय होता है, तो कुल दूरी कितनी होगी, 15 और 25 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 40, और कुल समय मतलब 2 और 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5, तो गाटोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 मीटर सेकेंड इनवर्स होगा, ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये चाल है, और चाल का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि खालिस्तान सीमेंट का मुख्य घटक होता है, जो सीमेंट होता है उसका मुख्य घटक क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है SiO2, सेकंड ऑप्शन है MnO, थर्ड ऑप्शन है CaCO3 और फोर्थ ऑप्शन है MgOH, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा क्या, राइट आंसर, की जो सिलिका ऑक्साइड है, ठीक है, मतलब SiO2 को सिलिका ऑक्साइड पढ़ते हैं। तो जो सिलिका ऑक्साइड है SiO2, ये मुख्य घटक है किसका, सीमेंट का, जिसको हम ये बोल सकते हैं रेत का भी फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा कि जो सीमेंट होती है ना, सीमेंट का मुख्य जो घटक होता है, तो सीमेंट का मुख्य घटक होता है कैल्शियम सिलिकेट और एल्युमिनियम सिलिकेट का मिश्रण होता है, ठीक है। जो सीमेंट होता है वो कैल्शियम सिलिकेट और एल्युमिनियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। एक चीज और याद रखिएगा कि जल मिलाने से कैल्शियम सिलिकेट और एल्युमिनियम सिलिकेट के जलयोजन के कारण बनता है। और छोटी सी चीज़ अगर और याद रख सको, तो जो सीमेंट होता है, ठीक है, इसमें 2 से 5% जो सीमेंट होता है उसमें 2 से 5% जिप्सम मिलाया जाता है, और ये जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या होता है कि इसका जमाव धीरे धीरे हो, ठीक है। मतलब सीमेंट में 2 से 5% क्या मिला है, जिप्सम मिला है, और जिप्सम क्यों मिलाते हैं, क्योंकि इसका जो सीमेंट जमती है तो वो धीरे धीरे से जमा हो, इसलिए मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1053 नंबर का, कि कुछ पौधे की जड़ें, ठीक है, जो कुछ पौधों की जो जड़ होती है, उपजी और पत्तियां,
कि खालिस्तान प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधे विकसित होते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियों को अगर हम मिट्टी में डाल दें तो इससे पौधा बन जाता है, या फिर आपने देखा होगा कि कुछ पत्ते जो कुछ पौधे होते हैं जैसे केले का पौधा हो गया, या फिर हम ये बोल सकते हैं केले हो गए, और केली का एक फूल होता है वो अगर हम उसकी जड़ लगा दें तो भी क्या होता है, एक पौधा बन जाता है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जड़ हो या उपजी या पत्तियाँ, इनकी माध्यम से क्या होता है, एक पौधा विकसित हो जा रहा है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड है राइट आंसर कि वनस्पति प्रचार कहते हैं। ठीक है, ये साइंस की लैंग्वेज है, वनस्पति प्रचार मतलब जड़ या फिर पत्तियों के माध्यम से अगर नए पौधे का उद्भव हो रहा है तो उसे हम कहते हैं वनस्पति प्रचार कहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और आपने देखी होगी, ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1054 नंबर का, कि 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के समान वेग से स्थानांतरित किया जाता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा बताओ। तो गतिज ऊर्जा का सबसे पहले फॉर्मूला पता होना, तो के ई बराबर से 1/2 mv स्क्वायर होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन में देखोगे तो हमें द्रव्यमान दिया है कितना 30 kg, तो एम की जगह आ जाएगा 30, वेग का मान दिया है कितना 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, और पूरे का कितना जाएगा वर्ग। ठीक है, पूरे का कितना हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, और गुणे में कितना है 1/2 है। सॉल्व करोगे 2 से तो कितना जाएगा 15, तो यहाँ जाएगा 15, और 10 का वर्ग करोगे तो कितना जाएगा 100, मतलब फाइनली कितना जाएगा 1500। ठीक है, तो 1500 आ गया, पर गतिज ऊर्जा की बात हो रही तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1500 जूल। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, यहाँ वैल्यू रखना सीखो और सॉल्व करोगे तो चीज़ें बनेगी। अगला क्वेश्चन है 1055 नंबर का, कि खालिस्तान ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है। तो आप देखोगे कि आपका जो मुंह है उसकी आंतरिक स्तर बनी हुई है, आपके हाथ पैर देखोगे तो त्वचा का जो ऊपरी स्तर है वो भी सेम चीज़ों से बना होता है, तो किससे बना होता है ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है सिलिकेट, ठीक है, कॉलमर एपिथिलियम, सेकेंड ऑप्शन है स्त्रीकृत इसके स्क्वेमस एपिथिलियम, और थर्ड ऑप्शन है सरल स्क्वेमस एपिथिलियम। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर की है, सरल स्क्वेमस एपिथिलियम से बना होता है। ठीक है, तो सल्की एपिथिलियम से बना होता है। तो ये 9th क्लास का क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ मिलेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि मुंह के अंदर की आंतरिक त्वचा, हमारे शरीर के ऊपर जो त्वचा है वो त्वचा, और हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा ब्लड की जो नलिकाएं हैं, ठीक है, जिसको धमनी और सिरा बोलते हैं, तो उसकी जो नलिका है वो सब की सब किससे बनी होती है, तो वो सरल स्क्वेमस एपिथिलियम से बनी होती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1056, और ये भी सिंपल क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु 3 सेकंड में 24 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है तो औसत चाल कितनी है। तो आप काफ़ी सिंपल हो चुका, आप बता दोगे कुल दूरी बटे कुल समय होता तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो 24 और 15 जोड़ोगे तो 39 आ जाएगा, कुल समय कितना हो जाएगा तो 2 और 3 जोड़ोगे तो 5, आगे सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा 535। ठीक है, बच्चे का कितना हमारे पास तो 4 और 65 है, कितना हो जाएगा 40, तो 7.8 पर मीटर पर सेकेंड होगा क्या मात्रक, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 7.8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा क्या राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1057 की, त्वचा के नीचे और आंतरिक भागों के बीच खालिस्तान ऊतक बनता है। तो देखो त्वचा जो है हमारे शरीर की, त्वचा के नीचे जस्ट और आंतरिक अंग जो आंतरिक अंग है उनके बीच में क्या होता है ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है मासल्स, सेकंड ऑप्शन है वसा, थर्ड ऑप्शन है एपिथिलियम, और फोर्थ ऑप्शन है तंत्रिका। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर की, त्वचा और आंतरिक अंगों के बीच क्या पाया जाता है, तो इनमें पाया जाता है क्या वसा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर क्या राइट आंसर, और वसा क्या है ये पूछ लिया जाए तो एक संयोजी ऊतक होगा कौन, वसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 1058 कि 20 किलो द्रव्यमान, ठीक है, 20 किलो का द्रव्यमान जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है, जब वस्तु द्वारा स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखो ऐसा कुछ बोला है कि एक ये भार हो गया कितने केजी का, तो 20 केजी का एक भार हो गया, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, तो ये 8 मीटर की ऊंचाई पर है, तो इसमें कोई ना कोई ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा, तो वो कितनी ऊर्जा होगी ये पूछा है। तो जब भी कोई वस्तु को ऊपर उठाकर रखा जाता है, मान लो आपने अपना मोबाइल पकड़कर आप हाथ में ऊपर उठाकर रख रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी, और उसी ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है MgH होता है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो PE बराबर से MgH, और PE मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, M का मतलब द्रव्यमान, जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण जो कि यहाँ पर दिया है, और एच का मतलब क्या होगा ऊंचाई। तो एम का माना जाएगा 20, जी का माना जाएगा कितना 9.8, और एच का मान कितना है 8, जब गुणा करोगे तो फाइनली आएगा 15668 आएगा, ठीक है, सॉरी
1568 आएगा, तो सभी ऑप्शन में 1568 है। पर स्थितिज ऊर्जा की बात हो रही, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है ऊर्जा का मात्रक। तो यहाँ पर जूल किस में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो आंसर आ जाएगा 1568 जूल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1059 नंबर का, कि आलैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, जो आलैंगिक प्रजनन किस में होता है, ये हमसे पूछा गया है, और ये 9th क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा अगर आप NCERT फॉलो कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है पौधों में, सेकंड ऑप्शन है अधिक विकसित जानवरों में, थर्ड ऑप्शन है कम विकसित जानवरों में, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कम विकसित जानवरों और पौधों में। तो आलैंगिक प्रजनन दोनों में होता है, मतलब कम विकसित जानवरों में भी और पौधों में भी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है यहाँ पर क्या राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1060 की, घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणों के लिए झुकाव को क्या कहा जाता है। तो देखो, एक अगर इस क्वेश्चन को समझना चाहो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कि घनत्व माध्यम, कहने का मतलब माध्यम की बात कर रहा है और घनत्व की बात कर रहा है। तो सपोज यहाँ पर ये जो भरा है ये वायु है, ठीक है, ये क्या है, वायु है, और इधर हम भर लेते हैं ये पानी होगा, ठीक है, ये क्या होगा, पानी होगा। अगर प्रकाश ऊपर से आ रहा है तो यहाँ पर होता क्या है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो अपवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है राइट आंसर। कि अगर क्वेश्चन की भाषा अगर हम समझना चाहें तो घनत्व माध्यम मतलब अलग अलग घनत्व का माध्यम है, प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश किरण का यहाँ पर क्या बदल जाता है, तरंग, सॉरी आवृत्ति तो सेम रहती है, तरंग धैर्य बदल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन कहते हैं। मतलब या तो ये इधर झुकेगा या तो बाहर हटेगा, इसकी कंडीशन अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है राइट आंसर, कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण अगर जाती है तो झुकाव को क्या कहते हैं, तो अपवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 1061 नंबर का, कि खालिस्तान एक अणु में हेलोजन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण होता है। तो देखो, हेलोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण किस में होता है, तो विद्युत ऋणात्मकता। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर राइट आंसर, कि विद्युत ऋणात्मकता एक अणु में हेलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। और हेलोजन की बात कर रहा है तो हेलोजन कौन से होते हैं, तो ये देख लो यहाँ पर, ये समूह 17 हो गया, ये सब हेलोजन कहलाते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटिन। ठीक है, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटिन, ये सब के सब हेलोजन तत्व कहलाते हैं, 17 समूह के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1062, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, कि Al2SO4 होल थ्राइस में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो पहला आएगा इसका राइट आंसर। कैसे सॉल्व करना है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक की बात करें तो 13 होता है, और परमाणु द्रव्यमान कितना जाएगा, तो 13 दूनी 26, और ये देखो 26 हो जाएगा एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान पर, एल्यूमिनियम कितने हैं 2, तो ये हो जाएगा 52। वैसे सल्फर की अगर हम बात करें तो यहाँ सल्फर का टोटल द्रव्यमान निकाल लोगे, ऑक्सीजन का टोटल द्रव्यमान निकाल लोगे, ऑक्सीजन का परसेंट पूछा है तो ऑक्सीजन का परसेंट द्रव्यमान ऊपर और नीचे टोटल का द्रव्यमान आ जाएगा, इंटू 100 करोगे तो मान आएगा कितना, 56.1। ठीक है, ऐसा कोई मैं आगे चल के लेक्चर बना दूंगा जिसमें इस प्रकार के सारे क्वेश्चन ले लेंगे, तो 4 से 5 क्वेश्चन अगर मैं बैक टू बैक कराऊंगा तो आप चीज़ें समझोगे, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है 1063 नंबर का, कि आवर्धिक सारणी में, ठीक है, जो आवर्त, वैसे आवर्तिक लिखा है, आवर्त होगा, ठीक है, ये क्या होगा, आवर्त। तो आवर्त सारणी में अवधि 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है। तो हम इतना जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है ऊपर से नीचे को समूह कहा जाता है, और यहाँ अवधि, अवधि मतलब होता है क्या, आवर्त, इस प्रकार से। तो कौन से आवर्त की बात कर रहा है, चौथे। तो ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त और चौथा आवर्त। तो चौथा आवर्त में क्या रखा गया है, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले आवर्त में क्या है, हीलियम, सेकेंड आवर्त में नियॉन, थर्ड आवर्त में आर्गन, और फोर्थ ऑप्शन में क्रिप्टॉन। मतलब यहाँ चौथे आवर्त में क्या रखा गया है, तो क्रिप्टॉन रखा गया है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, तो 36 है। तो अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या जाएगा राइट आंसर, परमाणु क्रमांक 36 है, और इसको कौन से आवर्त में रखा गया है, तो चौथे आवर्त में रखा गया है। ठीक है, तो पहले आवर्त में बोलते तो आंसर क्या आता, हीलियम, सेकेंड ऑप्शन में बोलते तो क्या आता, हीलियम के बाद नियॉन आता, फिर आर्गन आता है, और फिर क्या आता है, क्रिप्टॉन Kr। तो चौथे आवर्त में बोला तो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1064 नंबर का, कि एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर तक समान रूप से एक्सिलरेट होती है, मतलब त्वरित होती है, तो कार का त्वरण बताना है। तो देखो, त्वरण बताने, तो सबसे पहले त्वरण का फॉर्मूला पता होना है, कि a = v / t होता है,
ए मतलब है त्वरण, वी मतलब है वेग और टी मतलब क्या है यहाँ पर समय। परंतु जब दो अलग अलग वेलोसिटी दे दे तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो ए बराबर से होता है वी माइनस यू अपॉन क्या होता है टी होता है, ठीक है। तो ये भी त्वरण का फॉर्मूला है, त्वरण ए मतलब है त्वरण, वी मतलब है अंतिम वेग, यू मतलब है प्रथम वेग और टी मतलब है समय। तो त्वरण बराबर से वेग बट्टे क्या होता है समय होता है। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखो फॉर्मूला फिर से हम लिखते हैं, तो यहाँ पर ये दिया हमें किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो 18 किलोमीटर पर आवर में दिया, इसे मीटर पर सेकंड में अगर हम चेंज करेंगे तो 18 में किसका गुणा करेंगे तो 5/18 का गुणा करेंगे, तो 18 से 18 कट जाएगा तो कितना जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये है 72 को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 72 गुणित काय का गुणा करेंगे तो 5/18 का गुणा करेंगे, तो 18 चौक 72 हो जाएगा। तो 4 × 5 कितना जाएगा 20, तो अंतिम वेग कितना जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं वापस से फॉर्मूले की बात करूं तो ए बराबर से होता है वी माइनस यू अपॉन टी होता है। इसको जब मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5 बनेगा और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 20 बनेगा। तो ए त्वरण बराबर से वी का मान कितना है 20 और यू मतलब प्रारंभिक वेग कितना है, कितना -5 और बट्टे में कितना समय है 5 सेकेंड। तो सॉल्व करोगे तो 20 में से 5 घटाओगे तो 15, 5 का भाग दोगे तो 5 × 3 = 15, तो त्वरण कितना जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड इनवर्स, सॉरी सेकेंड, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। मतलब त्वरण है तो यहाँ पावर कितनी लगेगी 2 लगेगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है 3 मीटर पर सेकेंड, इसका होता है कौन त्वरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1065 नंबर का, और ये भी कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बट ये कि थोड़ा धैर्य रख के आपको सॉल्व करना होगा और समझना पड़ेगा तो चीज़ें सॉल्व होगी। तो जब भी फिजिक्स का कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए उसे एक बार पढ़ लिया करो, क्या क्या दिया है पहले वो देखोगे तो आंसर आएगा। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकेंड की अवधि के लिए लगाया जाता है, मतलब सिंपल सी बात है कि बल लगाया जा रहा है एक वस्तु पर जो स्थिर है, पर कितने सेकेंड तक, 3 सेकेंड तक, और हम ये बोल सकते हैं कि 8 kg के द्रव्यमान के लिए कार्य करता है, मतलब जो बल लगाया है वो वस्तु जो है वो 8 किलो की है, ठीक है, 8 kg की है, तो वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा दिया जाता है, तो वस्तु का बल कितना है, बल पूछा है। तो एफ बराबर से होता क्या है एम ए होता है। अब देखो सोचना कैसे है, बल की बात करी तो बल का फॉर्मूला लिख लिया एफ बराबर से एम ए, तो हम अगर देखें तो हमारे पास ये दिया है एम का मान कितना 10 kg 8 kg, ठीक है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो एम का मान है वो कितना दे दिया है 8 kg दे दिया है, तो एम का मान आ गया। परंतु तो हमारे पास एक समय दिया हुआ है 3 सेकेंड और वेलोसिटी दे रखी है, तो अभी मैंने पढ़ा है कि ए बराबर से क्या होता है तो वी माइनस यू अपॉन क्या होता है टी होता है। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं कि जब हमें वेलोसिटी भी दे रखी है तो एफ बराबर से फॉर्मूला क्या हो जाएगा एम इंटू वी माइनस यू अपॉन क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग वेग है, एक द्रव्यमान है और एक समय है। तो सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला क्या होगा, तो एफ बराबर से एम वी माइनस यू अपॉन में क्या हो जाएगा टी। सॉल्व करोगे तो एफ बराबर से एम का मान कितना है तो 8 kg, तो यहाँ जाएगा 8, वी का मान कितना है तो 6, यू का मान कितना होगा 4 क्योंकि अंतिम वेग माइनस प्रथम वेग, और समय कितना है हमारे पास 3, तो यहाँ जाएगा कितना 3। सॉल्व करोगे तो 6 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा 2, ठीक है, 6 में से 4 घटाओगे तो 2 बचेगा, तो 8 × 2 कितना हो जाएगा 16 और बटे में जाएगा 3। जब इसे सॉल्व करोगे तो 3.33 क्या जाएगा आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। 16 में 3 का भाग दोगे तो 3 × 5 = 15, सॉरी 3 × 5 = 15 होगा, है ना, 3 × 5 = 15.33, मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर होगा, है ना, 5.33 न्यूटन हो जाएगा क्या बल। और ऐसे क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, आपने देखा होगा, है ना, सॉल्व करने के बाद, पर आप इसके नोट्स बना लो प्रॉपर। अगर न्यूमेरिकल सही में आपको अगर पूरे पूरे नंबर चाहिए फिजिक्स में या फिर साइंस में, तो आप इनके जितने भी मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ इसके आप प्रॉपर आप नोट्स बनाते रहिए। तो ऐसा होगा कि 8 लेक्चर 10 लेक्चर जब आप रेगुलर देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली बनने लगेंगे, फॉर्मूले भी समझ में आने लगेंगे, वैल्यू कैसे पुटअप करना है सारी चीज़ें आने लगेगी। अगला क्वेश्चन है कि किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है, ठीक है, जो टैक्सोनॉमी जिसको वर्गीकरण बोलते हैं ये किसे इसका जनक कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है लिनियस, सेकेंड ऑप्शन है मेंडबॉट, ठीक है, मेंडबॉट है, वैसे मेंडली भी हो सकता है पता नहीं, थर्ड ऑप्शन है आइंस्टीन और फोर्थ ऑप्शन है डार्विन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर राइट आंसर की, जो कैरोलस लीनियस था इसे कहा जाता है टेक्सोनॉमी का जनक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। और ये सिद्धांत इन्होंने कब दिया था, 1753 में दिया था, कौन ने, कैरोलस लीनियस ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1067 की शीतल पेय में शामिल होता है, ठीक है, शीतल पेय मतलब अगर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह ड्रिंक करते हैं पीते हैं तो उसमें क्या शामिल होता है ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है टार्ट्रिक एसिड, सेकंड ऑप्शन है साइट्रिक एसिड, थर्ड ऑप्शन है ऑक्जेलिक एसिड और फोर्थ ऑप्शन है कार्बनिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर की, जो शीतल पेय होता है उसमें क्या होता है तो
कार्बनिक एसिड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1068 नंबर का, कि खालिस्तान आंखों को लेंस को फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करता है, क्योंकि जो आंख की लेंस की जो फोकस लंबाई होती है उसके समायोजित करने में कौन मदद करता है। तो पहला ऑप्शन है लेंस, सेकंड ऑप्शन है रेटिना, थर्ड ऑप्शन है पूरा आईबॉल, और फोर्थ ऑप्शन है सिलियरी बॉडी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर, की जो सिलियरी बॉडी जो होती है आँख के अंदर, आँख के लेंस को फोकस लंबाई में समायोजित करने में क्या करती है, मदद करती है, ठीक है। तो एक दो दिन में मैं एक आँख का अलग से लेक्चर बना दूंगा, जितने भी क्वेश्चन आँख से बन सकते हैं तो सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1069, की कांटेदार वन खालिस्तान में पाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा जो कांटेदार वन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल है और मरुस्थल में कांटेदार वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। और कांटेदार वन के अगर उदाहरण की बात करें तो बबुल, नागफनी, खजूर वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती है। अगला क्वेश्चन है 1070 नंबर का, और बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से एक है, कि तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु अणु किसका है। तो ये चार दिए हमें, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, लिथियम और ऑक्सीजन, इसमें सबसे बड़ा अणु किसका है ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो ये देखो पीरियोडिक टेबल अगर देखें तो ये इस प्रकार से होता है ना, मैं 1 मिनट एक्चुअल वाला बता देता हूँ, पर यहाँ होगा हाइड्रोजन, तो इसका परमाणु क्रमांक एक है, तो इसका तो परमाणु अणु क्या होगा, छोटा होगा, तो ये आंसर हो नहीं सकता। अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं पे आता है फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन से जस्ट पहले आता है क्या ऑक्सीजन, और यहाँ पर आता है क्या लिथियम, ठीक है। तो अब देखिए ये तीन, फ्लोरीन, लिथियम और ऑक्सीजन की बात हो रही, तो मैं पीरियोडिक टेबल में ले चलता हूँ, तो यहाँ ज़्यादा आसानी से आप समझ जाओगे। तो यह है फ्लोरीन, यह ऑक्सीजन और यह है क्या लिथियम, तो ये सारे के सारे एक ही आवर्त में आ रहे हैं, ये समझना। और इतना जानते हैं कि हम लेफ्ट से राइट जाने पर, मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर अणुओं का आकार छोटा होते जाता है, क्या होते जाता है, छोटा होते जाता है, अगर ये एक ही आवर्त में है। तो यहाँ पर लिथियम ऑप्शन में दिया है, ऑक्सीजन दिया है, फ्लोरीन दिया है, तो हम इधर जाएंगे तो अणु का आकार क्या होता जाएगा, छोटा। तो सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा किसका होगा, लिथियम का होगा, है ना। सबसे बड़ा अणु किसका होगा, तो लिथियम का होगा, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर क्या राइट आंसर। तो दोस्तों आज के लेक्चर में तो इतना ही, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम कंटिन्यू अब डेली 9 बजे ज़रूर मिलेंगे, और जो भी डाउट अगर हो आपको, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आने वाले लेक्चरों में उनके समाधान के लिए ज़रूर प्रयास करूँगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।